गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। चलिए मैं आज आपको ले चलता हूँ ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर, जिसमें आज मैं आपको बताऊँगा एक्सेल कैसे चलाया जाता है, कैसे खोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करना बताऊँगा कि स्टार्ट किस तरीके से करते हैं हम एक्सेल को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रॉम्प्ट पर क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल पर। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल खुल के आ जाएगा। दूसरा तरीका है दोस्तों, हम जब भी कोई प्रोग्राम चला लेते हैं तो इस रनिंग लिस्ट में आ जाता है, रनिंग प्रोग्राम्स में, यहाँ से भी हम खोल सकते हैं, अब चला लेते हैं ज़्यादातर। तीसरा तरीका है, जैसे हम राइट क्लिक करके, अगर हमें डेस्कटॉप पर एक आइकन लेना है तो हम न्यू पर जाके और यहाँ हमारा एक्सेल अगर इंस्टॉल है तो इस लिस्ट में आ जाएगा, यहाँ से भी हम क्लिक करके खोल सकते हैं। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें एक्सेल को खोलना है, स्टार्ट करना है। और अगर ना ही मिले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सेल डाल देते हैं। जैसे कभी कभी कुछ कंप्यूटर्स में या कुछ विंडोज़ में हमें पता ही लगता है, तो हम यहाँ सर्च में ये एक्स है और थोड़ा सा ही डाल के हम इसे ला सकते हैं। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि आपको एक्सेल खोलना अच्छा तरीके से आ गया है। अब इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, एक्सेल होता क्या है। दोस्तों एक्सेल का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में सर्वाधिक किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया यह सॉफ्टवेयर पैकेज है, इसका नाम एमएस एक्सेल है, इसे हम स्प्रेड शीट प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। यह कई सेलों का, जैसे आपको दिख रहे हैं ना, एक कॉलम है, कॉलम्स के नाम ए बी सी डी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ रो के नाम 1 2 3, एक कॉलम और रो में डिवाइड होता है, यानी कि कॉलम और रो का जो एक बिंदु बन रहा है, यानी सेलों में डिवाइड होता है इसका पेज, इसलिए इसे हम एक्सेल कहते हैं। एक्सेल का प्रयोग हम बड़ी बड़ी कंपनियों में डाटा को बनाने के लिए किया जाता है। हम बहुत से बड़े बड़े डाटा को कर लेते हैं। अगर किसी भी पर्सन को अगर एक्सेल अच्छा तरीके से आ जाता है तो वो 10 से 15 या 20 25 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकता है। तो हम दोस्तों आपको ले चलते हैं, जैसे कि सबसे पहले इसमें हम आपको बताना चाहेंगे इसमें कितने कॉलम्स होते हैं, कितनी रो होती हैं, इसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले मैं यहाँ एक फाइल ओपन किए लेता हूँ। आपको देखो, जैसे हमने इसमें एक्सेल 2003 पहले चलाया था, अभी हम चला रहे हैं 2007, यानी 2007 से 2010 तक कितना क्या क्या रहता है। देखो कॉलम्स ए बी सी डी होते हैं, जैसे जो कॉलम यहाँ ए बी सी डी में दिखाई दे रहे हैं इनको कॉलम्स के नाम से जानते हैं। एक कॉलम्स हमारे होते थे पहले 2003 एक्सेल में 256, लेकिन अब जो हम चला रहे हैं इसमें आ गए हैं 16384 कॉलम, कितना अच्छा हो गया। इसके बाद रो की संख्या जो है, रो की संख्या पहले कम थी 65536 2003 में ऑफिस में, लेकिन अब 2007 में जो हम करंट चला रहे हैं इसमें होगी 10,48,576। तो आप समझ गए कि अपन लोग कितना कितना 2003 से 2007 तो 10 में कितना अंतर आ गया है। तो दोस्तों इसी तरह से हम और भी आगे आपको ले चलते हैं, इसी तरह से और भी मैं आपको बताऊँगा। अब दोस्तों हम आपके इसके कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे, इसको समझाएंगे, सिखाएंगे कि इसको हम क्या बोलते हैं। दोस्तों जो हमारे सामने खुला हुआ है ये पूरा स्प्रेडशीट है, इसे हम पूरे को वर्कबुक के नाम से जानते हैं। अतः हमारी एक जो सीट खुली हुई दिख रही है, आपको वर्कबुक खुली हुई दिख रही है, एक वर्कबुक के अंदर ये इस तरह की तीन सीटें दिखाई देती हैं। इनको हम चाहें तो 255 हम बना सकते हैं सीटें, लेकिन एक सीट के अंदर 16384 कॉलम और 10,48,576 रो होती हैं, यानी कि ए। दोस्तों ए ऑफिस बटन होता है जिसका प्रयोग हम न्यू ओपन सेव के लिए प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं पहले के अध्याय में हमने आपको पढ़ा दिया है, एक क्विक एक्सेल टूलबार है, यहाँ से हम इन ऑप्शन को ले सकते हैं और यहीं से हम हटा सकते हैं। दोस्तों ये सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये आपका टाइटल बार होता है, ये टाइटल बार से हम पता ये लगाते हैं कि हम कौन सा प्रोग्राम चला रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और किस नाम से हमारी फाइल सेव है। इसमें थ्री बटन्स दिए हैं टाइटल बार पर, ये है मिनिमाइज बटन, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा ये यहाँ पर मिनिमाइज हो जाता है, छिप जाता है टास्क बार को, यहाँ पर हम क्लिक करके खोल लेते हैं। इसका प्रयोग होता है रिस्टोर करना, यहीं से हम मैक्सिमाइज करना कर लेते हैं, यहाँ से हम पूरी फाइल्स को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों ये है आपका रिबन, ये यहाँ से आपको यहाँ तक ये दिख रहा है ना, पूरा रिबन बोला जाता है इसे। ये टैब है हमारे ऑफिस एक्सेल 2007 में, टैब की संख्या है 7, आप देख रहे होंगे होम इंसर्ट पे लेआउट, ये सारे टैब के नाम है। अभी हमारे सामने जो रिबन में जो टैब खुला है वो है होम टैब, अगर इंसर्ट टैब खुला होता तो इंसर्ट टैब इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये टैब हो गए,
ये हमारी ग्रुप्स का नाम है, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप, ये फॉन्ट ग्रुप, ये आप देख रहे हैं यहाँ से एक बॉक्स सा बना है, यहाँ एक पॉइंट दिया है, बीच में नाम लिखा है, ग्रुप्स का नाम है, यानी इस ग्रुप्स में इतने कमांड्स आते हैं, इस ग्रुप्स में इतने कमांड्स आते हैं। दोस्तों ऑफिस वर्ड में यहाँ रूलर लाइन होता था, लेकिन इसमें एक्सेल में इसकी जगह एक फॉर्मूला बार आ रहा है, ये नेम बॉक्स है दोस्तों, जहाँ हम रहते हैं, जिस सेल में, जैसे हम सी और सिक्स पे हैं, तो इसमें लिख के आ रहा है सी सिक्स है। दोस्तों यहाँ हमारा दिख रहा है जे और एट, इसमें भी लिख के आ रहा है जी एट, यानी नेम बॉक्स है, देखो नाम लिख के आ गया है, ये फॉर्मूला बार है, यानी कि यहाँ हम जो भी सेल में लिखते हैं, ऐसे सेल में जो भी लिखा है ये लिखाई दे रहा है यहाँ कि हमने ये लिखा है। दोस्तों अगर कभी भी हमें इसमें चेंज करना हो, जैसे हमने कुछ यहाँ मैटर डाल दिया है, जैसे हमें कुछ मैटर चेंज करना है, तो हम चेंज भी इसी के द्वारा कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर क्लिक करके यहाँ भी हम लिख सकते हैं तो भी चेंज हो जाएगा, या हटाना है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। दोस्तों ये फॉर्मूला बार है, जो हम सेल के अंदर लिखते हैं मैटर वो यहाँ दिखाई देता है। एक कॉलम्स हेडिंग है, ए बी सी डी, में मैंने आपको पहले बता दिया है कॉलम्स ए बी सी डी में होते हैं, ये बहुत सारे हैं, 16384 है। ये रो होती हैं 1 2 3 में, जैसे कि ये हमने आपको यहाँ लिख दिया है, और ये होती हैं 10,48,576, अतः इन्हीं से पूरा एक्सेल मिला हुआ है। अगर हम नीचे और जाएँ तो यहाँ सीट 1, सीट 2, सीट 3 दिया है, और भी सीट निकाला, तो इस पर क्लिक करके और भी ले सकते हैं, न्यू सीट ले सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ये स्क्रॉल बार दिया है, ये हॉरिजॉन्टल है, यानी कि लेफ्ट राइट खिसकाना, इसका नाम होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है, इसका मतलब होता है ऊपर या नीचे खिसकाना। ये जूम स्लाइडर है, आप इसे अपनी जो सीट खड़ा हुआ है इसको जूम में कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे तो यहाँ 100% निश्चय होता है। ये व्यू बटन्स हैं, आप किसी व्यू में आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। सबसे नीचे जो पट्टी दिखाई दे रही है, ये टास्क बार है, टास्क बार तो आप जानते ही हैं। चलिए चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं पॉइंटर्स, कुछ पॉइंटर्स हैं, जैसे अभी आपके सामने एक पॉइंटर ए दिखाई दे रहा है, जैसे आप देख रहे होंगे ये माउस पॉइंटर है ना दोस्तों, ये एक्सेल में बहुत काम का होता है, अगर ये अगर आप लोगों ने सीख लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, एक्सेल बहुत सरल हो जाती है। अब सबसे पहले हम पॉइंटर्स के बारे में बताएंगे, जैसे एक पॉइंटर तो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है माउस का, जो हम सेल के बीचों बीच आते हैं, कहीं भी जाते हैं, एक मोटा प्लस निशान दिख रहा है। दूसरा पॉइंटर्स जाते हैं, जैसे बॉर्डर बॉर्डर पर जाते हैं सेल के, सेल का मतलब एक डिब्बा बना हुआ है, इसके बॉर्डर पर जाते हैं तब दिखाई दे रहा है। तीसरा पॉइंटर है ए वाला। दोस्तों इन तीनों के बारे में भी हम समझेंगे, इनका प्रयोग होता क्या है, कैसे होता है। जैसे दोस्तों हमने ये ब्राइट लिख दिया है, अभी दोस्तों एक ये है कॉपी वाला पॉइंटर, इसको हम ड्रैग करेंगे, ड्रैग का मतलब माउस को खींचेंगे। अब तो देखो कॉपी हो गया होगा आपके सामने, दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, ये कॉपी हो गया। दूसरा पॉइंटर है ये वाला, इससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करके हम डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट कर दबा देंगे कीबोर्ड का, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमें उठा के ले जाना है इतना सारा, तो इसको हम यहाँ से उठा सकते हैं, जी बॉर्डर बॉर्डर पर जाके, जैसे एक सेल को सिलेक्ट किया दोस्तों, ऐसे हम उठा सकते हैं। दोस्तों हमें लगता है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे तीनों पॉइंटर्स का। अब दोस्तों हम कॉपी पॉइंटर्स का प्रयोग बताएंगे ओनली, जैसे एक कॉपी पॉइंटर्स का प्रयोग कितना अच्छा होता है अभी आपको बता दिया जाएगा। जैसे दोस्तों हमने जनवरी लिखा, दोस्तों हमने जैसे जनवरी लिखा है, अब इसको हम जो कॉपी करेंगे, कॉपी करके देखो आपके सामने फरवरी पूरा लिख के आ गया है। अब हम जैसे इसमें आपके सामने शॉर्ट में लिखेंगे, तो ये पूरा शॉर्ट में 3-3 अक्षर पूरे शॉर्ट में लिख के आ गए हैं। अगर हम कोई भी जैसे डे के, जैसे हम कोई भी जैसे संडे वगैरह लिखना चाहते हैं, हम लिख देंगे। हाँ दोस्तों एक ध्यान रखना, अगर हम गलत लिखेंगे तो नहीं आएगा, अगर आप सही लिखेंगे तभी आएगा। दोस्तों इस तरह से हम इनको देखो, अभी हम कॉपी का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, आप इसको अच्छी तरह समझ लेना। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे हमने अभी कॉपी किया है, अब हम जैसे 1 2 3 लिखना है, तो हमने 1 लिखा, अगर हम ड्रैग करेंगे इसको कॉपी करेंगे दोस्तों, तो हमारे सामने नहीं लिखा, तो हम 1 लिखने के बाद दोस्तों ध्यान रखें, यहाँ आपको 2 लिखना ही होगा, 2 लिखेंगे, इसके बाद आपको दोनों को सिलेक्ट करना है और फिर आपको ऐसे ड्रैग करना है। देखो लिख गया, इसके बाद अगर हमें पहाड़ा लिखना है, ऐसे 4 का पहाड़ा, तो नीचे आपको 8 निश्चय भी लिखना होगा। लिखने के बाद आप यहाँ दोनों को सिलेक्ट करें दोस्तों, एक ध्यान रखना कि आप ऐसे सिलेक्ट ना करें, देखो 2 कॉलम एक सिलेक्ट करें, ऐसे ना करें, ये रॉन्ग है सिलेक्ट करने का तरीका। केवल आप इसको सिलेक्ट करें, केवल 4 और 8 को ही आपको सिलेक्ट करना है, तभी आप लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। दोस्तों अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिखना है, तो आपको फर्स्ट इस तरह से लिखना है और आपको ड्रैग कर देना है। समझ में आ गया होगा दोस्तों, हमें लगता है कि आप अच्छी तरह से समझ गए। दोस्तों अगर हमें इनको अगर डिलीट करना है या उठा के रखना है, तो हम सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा के आराम से कर सकते हैं। देखो इस सेलेक्ट का आपको हमने पहले बता दिया, सेलेक्ट करने से क्या होता है, हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं अपने मैटर को। अब दोस्तों हम आगे ले चलते हैं आपको, इसमें और भी जो प्रयोग होते हैं वो क्या होते हैं।
चलिए अब हमें आपको आपको पता होगा कि आपको जोड़ना घटाना गुणा करना बहुत अच्छे तरीके से आता होगा, लेकिन ये एक्सेल में जो काम होता है वो केवल सिर्फ सिर्फ काउंट